ठीक है, बढ़िया। तो हम लोगों ने अभी तक इतनी बात की है कि AICTE ने अपने मॉडल क्यूरिकुलम में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को, है ना, जो इसके इनपुट की बात की है, जो इसको इंक्लूड करने की बात की है, वो क्या देखते हुए बात की है? एक्चुअली कौन सा मिसिंग लिंक AICTE को, है ना, इस पूरे एफर्ट के पीछे दिखाई पड़ रहा है? तो उस पर हम लोगों ने कल थोड़ी सी बात की, इस प्रयास के, इस एफर्ट के पीछे जो दृष्टि थी उसकी बात की। तो ये ध्यान गया कि AICTE का ऐसा इसके पीछे सोच है, उसका विजन है कि ह्यूमेन एजुकेशन संस्कार हो, एक मानवीय शिक्षा संस्कार हो, है ना। मानवीय शिक्षा संस्कार का क्या मतलब है, इसको अगर और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जिसको हम लोग कल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मानवीय शिक्षा संस्कार का मतलब जो ह्यूमन में ह्यूमेन पर्सपेक्टिव और ह्यूमेन वर्ल्ड व्यू डेवलप कर पाए। तो एक मानवीय दृष्टि मुझमें डेवलप हो पाए, है ना, मेरी दृष्टि, मुझे देखने का, समझने का, चीजों को उसका तरीका मानवीय हो जाए, ह्यूमेन हो जाए। तो अगर ये देखें कि ह्यूमेन तरीका क्या है, ह्यूमेन पर्सपेक्टिव क्या है, ह्यूमेन वर्ल्ड व्यू क्या है, तो इसका मतलब कि अपने आप में जो व्यवस्था है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो नेचुरलनेस है, वो मुझे एज सच दिखने लग जाए, क्योंकि मैं ही इस कैपेसिटी में हूँ एज इवॉल्व स्पीशी कि मैं इस पूरी व्यवस्था को देख सकता हूँ, इस व्यवस्था को समझ सकता हूँ। तो इस दृष्टि का नेचुरली स्कोप है मेरे पास में, लेकिन उस स्कोप का एक एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, और वो प्रोसेस एजुकेशन के थ्रू एनरिच होता है। तो मैं इस ह्यूमेन एजुकेशन के साथ अपनी पर्सपेक्टिव को, अपने वर्ल्ड व्यू को, है ना, देख पाता हूँ, अपनी दृष्टि को देख पाता हूँ कि हाँ, इतना कुछ फैल के पूरी व्यवस्था को मैं देख सकता हूँ। ये मेरे में कैपेसिटी है, ये दृष्टि मुझ में डेवलप होती है, और इस दृष्टि को डेवलप होने के बाद जो आउटकम फॉर्म में दिखाई पड़ता है मुझे, जो हम लोग कल से बात कर रहे हैं, कि मानवीय मूल्य उससे क्लियर हो जाते हैं। तो एक बार ह्यूमेन वर्ल्ड व्यू ना अपने को क्लियर होता है, अपनी दृष्टि अपनी व्यापक होती है, इस पूरी व्यवस्था को, पूरी वास्तविकता को देख पाते हैं, तो हमारे पास इस व्यवस्था में मुझे कैसे प्रतिभाग करना है, पूरी व्यवस्था कैसे सजी हुई है, पूरा प्रकृति कितना अपने आप में निश्चित रूप से, है ना, प्रतिभाग कर रही है, हर यूनिट, हर इकाई कैसे इसमें डेफिनेटली कंडक्ट के साथ में, है ना, पार्टिसिपेट कर रही है, ये सब मुझे दिखाई पड़ता है। तो ये एक ह्यूमेन वर्ल्ड व्यू के साथ मैं पार्टिसिपेशन को भी देख पाता हूँ, और अपने पार्टिसिपेशन के लिए आश्वस्त हो पाता हूँ कि मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो इस पार्टिसिपेशन के बारे क्लैरिटी को कह रहे हैं कि ये मानवीय मूल्य के बारे अवेयर अवेयर हो जाना। तो मैं अपने आप में क्लियर हो जाता हूँ, स्पष्ट हो जाता हूँ कि एक ह्यूमन के तौर पे मुझे कैसे जीना है। मैं ये भी देख पाता हूँ कि अभी तक के जीने में ये ह्यूमेननेस, ये ह्यूमेन पर्सपेक्टिव, ये ह्यूमेन पार्टिसिपेशन, ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग कल से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस शिक्षा के साथ, इस दृष्टि के साथ, इस, है ना, मूल्यों की क्लैरिटी के साथ क्या करना है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब मुझे। फिर अगली बात आती है कि कैसे करना है ना, हाउ टू डू। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लक्ष्य की स्पष्टता हो गई कि यही करना है, ये करने लायक काम है ना, ये मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, ये मुझे क्लियर हो गया। अब ये नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्चुलाइज कैसे करूं, कैसे करूं उसको, तो ये पार्ट आता है स्किल का। स्किल के पार्ट में दोनों ही पार्ट, है ना, जब मैं शिक्षित होकर के जीने चलता हूँ, शिक्षा का मतलब यहाँ पर कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं है, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, शिक्षा का मतलब एक मानवीय दृष्टि डेवलप हो पाई, मैं व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को, प्राकृतिक व्यवस्था को देख पाया, अपने प्रतिभा को सुनिश्चित कर पाया, फिर ये सुनिश्चित प्रतिभा को देखते हुए, अपने पार्टिसिपेशन को देखते हुए मैं देख पाया कि दो जगह मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस पूरी व्यवस्था में, एक ह्यूमन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक रेस्ट ऑफ ह्यूमन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये ह्यूमन और रेस्ट ऑफ ह्यूमन के साथ में पार्टिसिपेट करते हुए मुझे कुछ स्किल चाहिए, है ना। तो वो व्यवहार में भी, जब मैं ह्यूमन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मुझे कुछ स्किल चाहिए, ऐसे ही रेस्ट ऑफ नेचर के साथ पार्टिसिपेट करते हुए मुझे कुछ स्किल चाहिए, जिसको हमने टेक्नोलॉजी, साइंस, है ना, प्रोडक्शन, इन सब फॉर्म में देखा। तो ये सारे स्किल को मैं रेगुलेट कर पाता हूँ कि मुझे अब उन्हीं स्किल्स पे काम करना है जो मेरे इस प्रतिभा को, जो मानवीय दृष्टि के साथ में मैं देख पा रहा हूँ, उसमें हेल्प करे,
मुझे ऐसा कोई है ना हुनर, ऐसी कोई स्किल पर काम नहीं करना है। मुझे इस बात की बिल्कुल स्पष्टता हो जाती है कि निरर्थक है ऐसी कोई भी स्किल जो मेरे ह्यूमेन पार्टिसिपेशन को ना फैसिलिटेट कर पाए, जो मेरे है ना मानवीय दृष्टि के साथ में है ना ना सिंक्रनाइज हो पाए। इसके लिए ऐसी कोई भी स्किल को फिर मैं अप्रिशिएट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसको अपने में देखने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस तरह से एक शिक्षा संस्कार के साथ में, मानवीय दृष्टि के साथ में, मानवीय मूल्यों के साथ में, मैं मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए स्किल के साथ इक्विप्ड हो जाता हूँ। और ऐसे इंडिविजुअल्स एक मानवीय समाज की, एक ह्यूमेन सोसाइटी की है ना संरचना में, सृजना में भागीदार हो जाते हैं, जैसा कल जितेंद्र भैया भी बात कर रहे थे। तो हम जब भी अपने से पूछते हैं तो हमें लगता है कि हमें मानवीय समाज चाहिए, हमें है ना व्यवस्थित समाज चाहिए, ऐसी व्यवस्था है ना जिसमें मानवीय व्यवस्था हो, कुछ भी अमानवीय ना हो। अमानवीय का मतलब जो मेरी चाहना से अतिरिक्त है, अलग है, जो चाहता नहीं हूँ वो होने लग जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए जो मेरी चाहना के हो। तो मानवीय व्यवस्था हो पाए, मानवीय समाज हो पाए, है ना, इस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे इस शिक्षा संस्कार के साथ दिखाई पड़ने लग जाती है। इसको हम लोग कल है ना कल से एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे भी 5 दिनों में अभी इसी के एक्सटेंशन के फॉर्म में अपने को बात करनी है। इतनी बात को अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो इन जो 3 पार्ट्स को हम लोग देख पा रहे हैं है ना, मानवीय दृष्टि, मानवीय मूल्य, अगर इसको देखें तो ये कुल मिलाकर के ये क्या की क्लैरिटी है, व्हाट टू डू की क्लैरिटी है। ऐसे ही अगर अगला देखें, स्किल पार्ट देखें, तो ये कैसे की क्लैरिटी है। तो मेरे लिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और ये व्हाट टू डू और हाउ टू डू, ये दोनों ही शिक्षा का पार्ट होना चाहिए, तभी शिक्षा पूरी मान पाएंगे। तो शिक्षा का कंटेंट अभी फिलहाल हमारे पास जो है, हम देखें ये व्हाट टू डू की क्लैरिटी के साथ हाउ टू डू है, या इन एब्सेंस ऑफ व्हाट टू डू अभी हम लोग बहुत सारा हाउ टू डू कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। ये भी हमने देखा था कि ये व्हाट टू डू जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना कर रहा है। उसमें देखा था कि जो भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, जो मानवीय दृष्टि है, जो मानवीय मूल्य है, वो यूनिवर्सल है, वो समय के साथ, जगह के साथ, व्यक्ति के साथ बदलते नहीं है, वो तार्किक भी है, तर्कसम्मत है। तो अगर किसी नए व्यक्ति के साथ उन मूल्यों के बारे बात करने लग जाए और वो कुछ है ना उनके लिए कुछ लॉजिक्स अपने रखता है, तो हमारे पास भी उन वस्तुओं को रखने के लिए, बात करने के लिए तर्क है, तर्क के साथ में उन बातों को रखा जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसलिए ये पूरी प्रोसेस टीचेबल है, बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है, समझने में सहयोगी हो सकती है। और उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि तर्क करके ही अपने को है ना प्रतिष्ठित कर लेने की बात है, वेरीफाई भी की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल तर्क पर ही सही उतर रही है, जी के देखूं, जी के देखने के बाद म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है ना, उभय सुख व्यक्ति के साथ, मानव के साथ जीने में और प्रकृति के साथ जीने में, उभय समृद्धि तक पहुंचने की संभावना, ऐसा अपने को है ना ये वेरिफिकेशन, ये इस पूरे मूल्य शिक्षा का ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी जैसा सर से बात हो रही थी, फादर सर से, कि अगर वेरीफाई नहीं कर पा रहे, अगर जीने में नहीं आ पा रहा है, तो अभी फिर से टिक के रुक के देखने की जरूरत है ना, कि मूल्य शिक्षा को ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं, कहीं कुछ गैप तो नहीं बन रहा है। और एक बार ये गैप रिजॉल्व हो जाए तो फिर हम एक है ना व्यवस्था देख पाते हैं, वो व्यवस्था जो मेरी अपनी ही नेचुरल एक्सेप्टेंस है, जो डिजायर है। तो मैं ही चाहती हूँ व्यवस्थित होकर के जीना, और इस व्यवस्था को जीने के लिए ये ह्यूमन वैल्यूज, ये मानवीय मूल्य जो सार्वभौमिक हैं, जो तर्कसम्मत हैं, जो है ना वेरीफाई किए जा सकते हैं, इन सब के साथ, समझ के साथ, अपने में है ना एक डिटर्मिनेशन के साथ मैं व्यवस्थित जीने की तरफ बढ़ती हूँ। तो दिस इज लीडिंग टू हार्मनी। मैं व्यवस्था के साथ जी पाती हूँ, पूरी व्यवस्था में सहयोग कर पाती हूँ, और इस तरह से पूरे है ना एक व्यवस्थित समाज के साथ, एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के साथ, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था में जीने की संभावना बनती है। तो इन सारी संभावनाओं पे, ऐसी एक डिजायरेबल सोसाइटी पर जो हमारी डिजायर है, जो हमारी चाहना है, उसको कैसे पूरा करेंगे, इस पर ही हम लोग बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा और अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम लोग ये भी देख पा रहे थे कि इसके लिए एक है ना मानवीय चेतना की जरूरत है, अपने में अवेयरनेस की जरूरत है। और अवेयरनेस में हमने देखा था कि
तीन चीजों, अवेयरनेस का मतलब है जब मैं मानवीय चेतना के साथ जी रहा हूँ, मानव मूल्यों के साथ, है ना, चीजों को समझ रहा हूँ, तो मुझे अपने लिए इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ता है कि मुझे समझ की भी जरूरत है, मुझे संबंध की भी जरूरत है और मुझे सुविधा की भी जरूरत है। तो ये तीनों ही चीजें मेरे लिए आवश्यक हैं एक ह्यूमन के तौर पे, एक मानव के तौर पे। लेकिन फिर भी इन तीनों चीजों में मेरी अपनी आवश्यकता को निर्धारित करते हुए मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। तो ये 1 2 3, ये जो सीक्वेंस कल भैया ने, है ना, मिल करके हम लोगों ने सबने भैया के साथ डिसाइड किया, ये 1 2 3 का ये कतई मतलब नहीं है कि इसमें कोई एक हायर प्रायोरिटी है और दूसरा लोअर प्रायोरिटी है। दिस इज ओनली जस्ट टू, है ना, असर्टेन, अपने में निश्चित करने के लिए कि किस किस चीज को पहले टेकअप करूं जिससे दूसरा दूसरे को सपोर्ट हो जाए समझने में। तो मैं अगर सही समझ के साथ शुरू करता हूँ, सही समझ जो अपने में होनी है, तो एक तो मुझे बहुत आसानी होती है, मुझे बाहर नहीं भागना है, अपने पे काम करना है। इस सही समझ को अपने में इंश्योर करके, जिसमें मैं देख पाता हूँ कि संबंध और सुविधा ये दोनों मेरे लिए आवश्यक है, संबंध को पूरा करने के लिए कुछ भावों की आवश्यकता है, इन भावों को समझने की जरूरत है, उन भावों को समझने का काम करता हूँ, और ये भी देख पाता हूँ कि इन संबंधों के निर्वाह में, भावों की पूर्ति में सुविधा की भी जरूरत है। लेकिन सुविधा की एक निश्चित मात्रा है, इसको भी अपने आप में देख पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सुविधा की बहुत सारी मात्रा को पूरा कर लूंगा, अनिश्चित मात्रा में सुविधा जुटा लूंगा तो ये भाव की, है ना, पूर्ति हो जाएगी। तो अभी कल से हम लोग इसको थोड़ा सा एक अपने प्रोसेस में लाए हैं कि ये देख पाए कि मेरे लिए संबंध भी जरूरी है, सुविधा भी जरूरी है, लेकिन ये संबंध और सुविधा, है ना, इसमें जब प्रायोरिटाइज करना है तो मैं किस लिए सुविधा को देख रहा हूँ, सुविधा मुझे क्यों चाहिए। तो सुविधा मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे अपने शरीर के लिए, है ना, इसके लिए कुछ सुविधा की आवश्यकता है, मुझे अपने संबंधियों के लिए भी कुछ सुविधा की आवश्यकता है। तो मैं अपने लिए और अपने संबंधियों के लिए सुविधा का निर्धारण कर पाऊं, जिसको कह रहे हैं, है ना, कि ये अपने में एक लिमिटेड सुविधा के साथ, निश्चित सुविधा के साथ, है ना, मैं संबंध पर अपना ध्यान दे पाता हूँ कि अब इतनी सुविधा हो गई मेरे पास में, जिससे कि मैं ये देख पाऊं कि अब सही से जीना कैसे होगा, संबंध में जीना कैसे होगा, है ना। और इस संबंध में जीने के लिए, सुविधा के सही निर्धारण के लिए बार बार मुझे समझ का सपोर्ट लेना पड़ता है, समझ की गाइडलाइन लेनी पड़ती है। तो ये समझ अपने में होने के साथ संबंध में भावों के साथ जीना इंश्योर हो पाता है, और उसके लिए आवश्यक सुविधा का निर्धारण हो पाता है, और आवश्यक सुविधा के निर्धारण के बाद उससे ज्यादा के प्रोडक्शन के लिए स्किल का प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का, साइंस का, फिर बहुत सारा स्कोप अपने को इस फॉर्म में नजर आने लग जाता है। तो ये तीनों ही चीजें अपने को जरूरी दिखती हैं, तीनों की प्रायोरिटी ये देख के डिसाइड की कि एक से दूसरा फैसिलिटेट होने जा रहा है। अभी की स्थिति देखें अगर, तो अभी की स्थिति ऐसी दिखाई पड़ती है कि एजुकेशन की जितनी अपने पास में अभी पॉसिबिलिटी बनी है, एजुकेशन का जितना कंटेंट अवेलेबल है, उससे हम लोग अगर देखें तो ये छोटे वाले गोले पे काम कर रहे हैं, जो आप नीचे देख रहे हैं ना, रेड सर्कल, जो एक छोटा गोला जिसको कह रहे हैं, वो इसका मतलब है कि अभी की जितनी जो जो एजुकेशन है वो हमें इस पर्टिकुलर एरिया में, सुविधा के एक्यूमुलेशन में बहुत सारा फैसिलिटेट कर रही है। तो स्किल के साथ बहुत सारा सुविधा, बहुत सारा सामान जुटाने में, है ना, हम जरूर अभी इसमें देख पा रहे हैं ग्रोथ हुई है, क्योंकि देख पाए अपने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड ले लें, सामान तो घर में बहुत सारा जुटा है, लेकिन क्या मेरी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स जो मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस हैं, या इन तीनों के लिए शिक्षा मेरे लिए हेल्पफुल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इसको देखने की जरूरत है। तो क्या सामान बढ़ने के साथ साथ सम्मान इंश्योर हो जा रहा है, विश्वास इंश्योर हो जा रहा है, संबंध पूर्वक जीना इंश्योर हो जा रहा है, सभी पूरी व्यवस्था को ठीक से समझ पा रहे हैं, समाज व्यवस्था, प्रकृति व्यवस्था सब में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ये सब अपने से प्रश्न करने की जरूरत है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जहां भी व्यवस्था को समझने में चूक हो रही है, पार्टिसिपेशन में गड़बड़ी हो जा रही है, उसका ही दुख अपने को देखना पड़ रहा है। इसीलिए बार बार ऐसा ध्यान जाता है कि छोटे गोले से इस बड़े बड़े गोले की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। कल ये बात हुई थी, इस विकास की जरूरत अपने में महसूस होने लग जाती है, और मैं काफी कुछ इसको देख पाती हूँ कि कैंसर की तरह से है, अगर हम ये केवल छोटे वाले गोले में, है ना, एक्सेस ग्रोथ कर रहे हैं, तो कैंसर को हम लोग ठीक से देख पाते हैं शरीर में, पर्टिकुलर एरिया में कुछ सेल्स का एनलार्जमेंट, मल्टीप्लीकेशन, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन,
लेकिन ये देख पाते हैं कि ये डिजायरेबल नहीं है। शरीर की ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं। तो ऐसे ही हम अपनी ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन एक स्टेबल, एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, और उस होलिस्टिक के लिए इस पूरे विजन को देख पा रहे हैं, है ना। शिक्षा के साथ ये पूरा विजन क्लियर होता है, समझ, संबंध, सुविधा, ये तीनों ही अपनी प्रायोरिटी में आते हैं, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड हो पाती है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन इस शिक्षा के साथ अपने में देखना संभव हो पाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की अपने को रिक्वायरमेंट है। सो दिस वर्कशॉप इज नॉट मोटिवेशनल वर्कशॉप, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने जा रहे हैं, अपने जीने में कुछ चेंज हो पाए तो बात है, अदरवाइज सिर्फ ये कह देना वर्कशॉप बहुत बढ़िया चली, है ना, बहुत अच्छा सबने कहा, तो इतना तो हम लोग और भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। अगर अपने जीने में नहीं आ रहा तो ये वर्कशॉप मीनिंगलेस है, यूजलेस है। तो प्रोग्रेस अपने में देख पाए, प्रोग्रेस का मतलब इन तीनों चीजों को अपने में इंश्योर कर पाए, और उसके बाद डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इसको देखें। प्रोग्रेस अपने में, क्योंकि मैं ठीक समझ गया, अपने में समझ, संबंध, सुविधा को तीनों पर काम कर पाया, और फिर यही दूसरे व्यक्ति की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ उसके विकास में सहयोगी हो पाया। तो सबके साथ, सबके विकास के साथ में, है ना, पूरी व्यवस्था के एक साथ जाने की उम्मीद है, जिसमें मैं अपने विकास के साथ, अपने ग्रोथ के साथ अपना सहयोगी होना देख पाता हूँ। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी भी बात को, है ना, एज सच रिसीव करके, है ना, इन्फ्लुएंस में आके ठीक बात कही जा रही है ऐसी अपेक्षा नहीं है, अपने में एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और एक बार एक लास्ट स्लाइड और हम लोग इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट एक स्लाइड और है जितेंद्र भैया, ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग इसको और एक्सप्लोर करें अगर, तो ये लास्ट स्लाइड के फॉर्म में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जब समझ कह रहे हैं तो समझ का मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास को पास कर लेना, कुछ डिग्री, है ना, ले लेना, किसी एक पर्टिकुलर स्किल में इक्विप्ड हो जाने की बात नहीं कर रहे। समझ का मतलब है मुझ में सही समझ पूरी व्यवस्था की। पूरी व्यवस्था का मतलब जहां जहां मेरा जीना हो रहा है, क्योंकि इससे कम में जीना नहीं हो रहा, मैं ह्यूमन एक इंडिविजुअल से लेकर के पूरे नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ पार्ट एंड पार्सल हूँ, पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ, इसलिए मेरे पूरे फैलाव के साथ मुझे एक व्यवस्था दी जाए, मुझे पूरी उसकी समझ हो जाए, इसको कह रहे हैं सही समझ। तो एक अपने में व्यवस्था देखना ह्यूमन बीइंग में, फिर ह्यूमन बीइंग, है ना, कई सारे ह्यूमन बीइंग परिवार बना रहे हैं, फिर कई सारे परिवार समाज बना रहे हैं, ये दोनों भी एक व्यवस्थित परिवार और समाज जो ये ही वैसा मुझे दिख जाए, क्या है ये व्यवस्था, और इसी तरह से नेचर और एग्जिस्टेंस तक जहां तक मेरा फैलाव है, पूरी व्यवस्था को मैं देख पाऊं, इसको कह रहे हैं सही समझ। और ये व्यवस्था को से मैं व्यवस्थित होकर के मैं अगले ह्यूमन के साथ प्रतिभाग जी दीदी, अब आवाज शायद चली गई है। हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इको कर रही है? हाँ, थोड़ी इको है। हाँ, दोनों है, दोनों। हाँ, हेलो, उपासना दीदी शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। जी जी, तो दीदी आप, आवाज आ रही है आपको? है तो कनेक्ट। हर मनुष्य की जो चाहना है वो तो निरंतर सुख है ना। हम लोग ये एक्सप्लोरेशन कर रहे थे कि हम सब निरंतर सुख के साथ जीना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी की फीलिंग चाहते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। इसको पूरा करने के अर्थ में अगर देखने जाएं तो ये तीन रिक्वायरमेंट हमारे ध्यान में आई थी, सही समझ, संबंध और सुविधा। तो समझ, संबंध, सुविधा के साथ अगर जीने जाते हैं, एक तो हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हैं, जी पाते हैं, और जब दूसरे ह्यूमंस के साथ जीने जाते हैं तो उसका आउटकम म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है। नेचर के लेवल पे जीने जाते हैं तो उसका आउटकम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस भी वही है कि हम म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ जी सके, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी के साथ जी सके।
सही समझ को जब हम लोग अनफोल्ड करने जाएंगे तो सही समझ का मतलब इतना ही है कि जितना भी हमारे जीने का फैलाव है हम सभी लेवल पे हारमोनी में जी सके। तो जीने का फैलाव देखने जाए तो जीने का फैलाव कितना है, मेरा अपने में जीना हो ही रहा है, अपने परिवार में भी हम जीते ही रहते हैं, समाज का भी हम हिस्सा हैं और नेचर के लेवल पे भी हम जी रहे हैं। जितेन भैया हेलो। जी 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 तो ठीक से देखने जाए तो जीने का फैलाव अपने से शुरू होता है, परिवार, समाज, नेचर और पूरे एग्जिस्टेंस तक जाता है। तो जब जीना हमारा पहले से हो ही रहा है तो करना क्या है, तो इतने लेवल पे हारमोनी को समझना है और इतने लेवल के साथ हारमोनी को जीना है। तो चार लेवल पे जो हारमोनी को समझने का काम है ये है एजुकेशन का काम। ये जो पूरा हारमोनी का ब्लूप्रिंट है ये हर बच्चे के सेल्फ में एस्टेब्लिश हो जाए, हर बच्चे के सेल्फ में इसकी क्लैरिटी हो जाए, ये शिक्षा का काम है। तो एक हमारे बच्चों में ये इस पूरे एग्जिस्टेंशियल हारमोनी का ब्लूप्रिंट उनको समझ में आ जाना ये एक काम है, ये जीने में भी आ जाना ये संस्कार का काम है, ये लिविंग का भी काम है। तो एजुकेशन के साथ संस्कार, अंडरस्टैंडिंग के साथ लिविंग, इतना हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं इन 5 दिनों में। तो ये जो बात है कि कितना समझना है, तो समझने का फैलाव इतना है कि जितना मेरा जीना है, जितने लेवल पे मेरा जीना है, हर लेवल पे ही हारमोनी को समझना और हर लेवल पे ही हारमोनी को जी पाना। तो कंटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने जाएं तो कंटेंट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इतना है कि ये चार लेवल की हारमोनी को समझ पाना और इन चार लेवल की हारमोनी के साथ जी पाना, ये मेरे जीने का प्रोग्राम है। तो ये बात तो जो है अब हम जो बेसिकली अगले 4 दिन में करने वाले हैं, एक एक लेवल पे हारमोनी का स्वरूप क्या है, एक एक लेवल पे हारमोनी को समझने का काम करेंगे कि इंडिविजुअल के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है, फिर जो है फैमिली के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है, सोसाइटी के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है और नेचर के लेवल पे हारमोनी का मतलब क्या है।